नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, बिकॉज कंपनी ने आज बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, वो है रिकॉर्ड डेट का। बिकॉज कंपनी में स्प्लिट को लेकर के बातचीत चल रही थी, अपडेट दिया था कंपनी ने, उसका रिकॉर्ड डेट का आज अनाउंसमेंट कंपनी ने कर दिया। तो सबसे पहला चीज फ्रेंड, स्प्लिट होता क्या है वो जान लेते हैं, फिर स्प्लिट लाया क्यों जाता है वो भी जान लेंगे, थोड़ा कंपनी के बारे में जानेंगे, देन आफ्टर दैट कंपनी का चार्ट एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस कंपनी का अपडेट भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहला चीज, अगर आपको स्प्लिट कॉर्पोरेट इवेंट में पार्टिसिपेट करना है तो रिकॉर्ड डेट तक शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हैं, सबसे पहला चीज। दूसरा है कि स्प्लिट कंपनी लाती क्यों है। तो जब कंपनी को लगता है कि इनका जो शेयर का प्राइस जो है, ये भाव इनका बहुत बढ़ गया है, नॉर्मल ट्रेडर्स के रीच से बाहर चला गया, सबको लगता है कि नहीं बहुत महंगा हो गया, तब इस स्प्लिट को लाया जाता है। तो स्प्लिट में होता क्या है कि ये जो शेयर का प्राइस जो देख रहे हैं ना, एज पर रेशियो जो कंपनी डिसाइड करती है स्प्लिट का रेशियो, उसके अनुसार ये विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे कंपनी, अगर मान लीजिए अभी कंपनी ने 1:2 का, यानी एक के बदले में 2 शेयर अगर होता है, तो ये आधा हो जाएगा, 8 हजार का शेयर 4 हजार में दिखने लगेगा, या फिर 9 हजार के 4,500 में दिखेगा, तो ऐसा आपको दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपने सोच लीजिए कि अगर आपने 10 शेयर इसका खरीदा है, उसका आपने इन्वेस्टमेंट कितना लगाया, आपने लगाया 81270, तो 81270 आपका इन्वेस्टमेंट वाले वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स जो रहेगा ना, रिकॉर्ड डेट सबसे पहला चीज, रिकॉर्ड डेट तक मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड डेट में के बाद जो रहता है, कंपनी जो स्प्लिट शेयर है उसको इश्यू करेगी। तो स्प्लिट शेयर को आप रिकॉर्ड डेट के कुछ समय तक आप उसको ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा, आपको अच्छा खासा नुकसान दिखाएगा, लेकिन उसे घबराना नहीं है, बिकॉज स्प्लिट शेयर फिर इशू किया जाता है आपके डीमैट अकाउंट में, 10 के बदले में जितने शेयर है वो दिखने लगेंगे, जो भी एक्स्ट्रा शेयर है वो दिखेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम 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 रहेगा। तो इसका मतलब फ्री में आपको शेयर्स नहीं मिल रहे हैं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो अब चलिए हम लोग फटाफट चेक कर लेते हैं कि कंपनी जो रहता है, या ये इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मार्केट कैप 62,661 का है, स्टॉक का पीवी 60.8 का, इंडस्ट्री का 31.4, यानी थोड़ा वैल्यूएशन हाई हो गया, लेकिन इससे चिंता की बात नहीं है, बिकॉज ईपीएस में सुधार आएगा तो अपने आप पीवी रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। प्योरोस्कोर 8 का है, जो कि शानदार जबरदस्त है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है, डेट कंपनी पर 5,555 करोड़ का है। ओके, करेक्टिंग मसल 555। अभी कंपनी का शेड्यूलिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे, देन आफ्टर दैट कंपनी ने जो अपडेट दिया उसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है, सबसे पहला चीज। दूसरा है, एफआई का स्टेक 21.34 से बढ़कर के 24.55 हुआ है, डीआई का स्टेक गिरा है 28.67 से 26.13 हुआ, तो डीआई ने बिकवाली किया है, और पब्लिक ने बिकवाली किया 16.91 से 16.96 से 16.91 हुआ है, यानी खरीदारी किसने किया, तो सिर्फ एफआई ने किया। अब ये मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग हैंड को चेक कीजिएगा, तो सबको जोड़ दीजिएगा आप, तो देखिए लगभग लगभग 83%, 82 से 83% अप्रोक्सीमेटली जो शेयर जो है वो मजबूत हाथ के पास है, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। अब चलते हैं कंपनी का ने रिटर्न कितना दिया है, देन आपके बाद कंपनी का अपडेट क्या है। तो मैक्सिमम चार्ट में चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा 3,845 का रिटर्न कंपनी ने दिया है। अगर 1 ईयर में चेक करेंगे, 1 ईयर में कितना रिटर्न आया है, तो ये देखिए 1 ईयर में रिटर्न वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 ईयर में रिटर्न आया 78.69 का, 6 मंथ्स में लगभग 36.38 का है, तो अच्छा खासा मल्टी बैगर स्टॉक है, बताना चाहूंगा। अब है चलिए कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट आया, तो फ्रेंड आज के दिन में ये अनाउंसमेंट आ रहा है 13 मार्च 2024 को, 13 मार्च, यहाँ पर कंपनी ने अपडेट दिया है रिकॉर्ड डेट। तो अगर आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 तक आपको डीमैट अकाउंट में परसिस्टेंट का शेयर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब है कितना शेयर्स आपके अकाउंट में आएगा, तो अगर आपके पास एक शेयर है, उसके बदले में आपके पास हो जाएंगे 2 शेयर्स। ओके, तो एक शेयर के बदले में आपके अकाउंट में हो जाएंगे 2 शेयर्स हो जाएंगे, बताना चाहूंगा। उसी के रेशियो के अनुसार जो प्राइस आप देख रहे हैं ना सीएमपी, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा, बताना चाहूंगा। अब क्वेश्चन आता है, ये 10 किया है और ये 5 किया है, तो बताना चाहूंगा फ्रेंड, ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू यानी यहाँ देख सकते हैं जब आप हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 का अभी है, अभी 10 का है, जब ये स्प्लिट होगा तो उसके अनुसार ये फेस वैल्यू 5 का हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ओके, तो ये अपडेट है, रेशियो मैंने बता दिया 1:2 का रेशियो है, एंड रिकॉर्ड डेट 1 अप्रैल 2024 का है। अब है चार्ट, तो चार्ट में फ्रेंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कंपनी के लिए निकल कर आ रहा है वो है 7,900 का, बिकॉज यहाँ पर एक गैप है, देख सकते हैं, तो गैप हो सकता है फिल करने के लिए जाए, तो इसको आपको ध्यान में रखकर कोई भी ट्रेड इनिशियल करना है, मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, यू नीड टू कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फॉर दैट। तो फ्रेंड ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग परसिस्टेंट सिस्टम, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।